निकालिए और मेरे साथ आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा पहला प्रश्न है वह विकल्प का है, तो आपको भी मेरे साथ वह विकल्प लिखते जाना है। पहला विकल्प है नन्ना मुन्ना राही किसका सिपाही है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है ए। किसका सिपाही है तो भाई देश का। फिर दूसरा है नन्हे मुन्ने राही के संग क्या बोलना होगा, तो हमने सारे काव्य में देखा क्या बोलना होगा, यहाँ पर है सी जय हिंद। फिर तीसरा है नन्हा मुन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो यह भी काव्य पंक्ति में आया था आपने देखा होगा, उसमें होगा ए निडर होगा वह किसी से डरेगा नहीं। फिर चौथा विकल्प है नन्हा मुन्ना राही पसीना कहाँ बहाएगा, कहाँ बहाएगा वह बी यानी के धूप में। और आखिर में पांचवा विकल्प है हमारा नन्हा मुन्ना राही किसका सहारा बनेगा, वह किसका सहारा बनना चाहता है ए देश का। तो यह हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ, आप सबने लिखा ना मेरे साथ। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे, यह प्रश्न है वह हमने पाठ्य में नहीं किया था, तो यह मैं बोलती जाऊंगी और आपको लिखते जाना है। तो चलिए पहला प्रश्न है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो वहां पर चलो लिखिए धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे और फसल अच्छी होगी। दूसरा प्रश्न है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुनिया की आंखों का तारा नन्हा राही बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा, तो चलो लिखिए नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। फिर है नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नन्हा राही दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने देगा। पांचवा प्रश्न है देश का सिपाही कौन है, कौन है देश का सिपाही, देश का सिपाही नन्हा राही है। फिर छठा प्रश्न है हमारा नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो नन्हा राही रास्ते पर दाहिने बाएं करता हुआ चलेगा। फिर पीछे की तरफ देखिए सातवां प्रश्न है हमारा नन्हा राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा, तो चलिए इसमें लिखिए नन्हा राही मंजिल से पहले कहीं पर भी दम नहीं लेगा। फिर आठवां प्रश्न है धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा, तो लिखिए धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। फिर नौवां प्रश्न है नन्हा राही किसे हमेशा ऊंचा रखेगा, तो नन्हा राही हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखेगा। फिर आखिर में हमारा दसवां प्रश्न है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते, यह प्रश्न तो आपको पूछा गया है, चलिए फिर भी मैं लिखा देती हूँ आपको स्वामी अगर मैं सिपाही होता तो देश की सच्चे दिल से सेवा करता। अगर आप इसमें कोई दूसरा जवाब लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। फिर तीसरा हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए, उसमें हमारा पहला प्रश्न है एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा, चलिए आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ आप क्या लिखेंगे उसमें, चलिए मैं आपको लिखाती हूँ। यदि एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तो वह सोचता होगा कि मैंने कई सालों तक देश की सेवा की, मैं अपने देश के कुछ काम आ सका, उस पर वह गर्व करेगा। तो घायल सैनिक है वह अपने देश के बारे में सोचता होगा। फिर दूसरा हमारा प्रश्न है हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग है, कौन कौन से, तो हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग है, हमारे राष्ट्रध्वज में तीन रंग है, कौन कौन से, केसरी सफेद और हरा। फिर हमारा आखिरी और तीसरा प्रश्न है हमारे राष्ट्रध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि हमारे राष्ट्रध्वज में तीन रंग है, पहला केसरी, तो केसरी रंग है वह वीरता का प्रतीक है, दूसरा है सफेद वह शांति का प्रतीक है, और तीसरा हरा रंग है वह हरा।
हरियाली का प्रतीक है। तो अब आप देखिए हमारा चौथा प्रश्न, इस प्रश्न में क्या है, तो के भाई सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो उसमें है रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के चाहे मुझे, तो उसमें क्या होगा ब, ब में क्या लिखा है, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। फिर दूसरा है बच्चा दुनिया की आंखों का क्या होगा क, तारा बनेगा। फिर तीसरा प्रश्न है सबको सिखाऊंगा मैं, क्या सिखाएगा बच्चा, उसमें होगा अ, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो यह हमारे चार प्रश्न हुए। अब हमारा पांचवा प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति तो यदि आप आगे देखेंगे तो भी आपको आ जाएगी, फिर भी चलिए हम सब लोग साथ में इसे पूर्ण करते हैं। पहले रिक्त स्थान में है नन्ना मुन्ना खाली जगिया हूँ देश का सिपाही हूँ, तो क्या होगा राही। फिर है खाली जगिया से पहले न लूंगा कहीं दम, क्या होगा रिक्त स्थान में मन से। तीसरा है धरती पे खाली जगिया न पाएंगे जन्म, तो क्या होगा उसमें पापी। फिर चौथी रिक्त स्थान है शांति की खाली जगह है मेरा यह वतन, तो उसमें होगा नगरी। और आखिरी बड़ा होकर देश का खाली जगह बनूंगा, उसमें क्या होगा सहारा। तो इस तरह से हमने अपना पांचवा प्रश्न भी देखा। अब बच्चों आप देखिए यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है, उसमें काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यह काव्य पंक्तियां तो आप अपने पाठ्य में देखकर, हमने काव्य गान भी किया था, आप गाकर भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यह काव्य पंक्ति अपनी स्वा में पाठ्य में से देखकर लिखनी है। तो बच्चों आज हमने अपने 6 प्रश्न स्वा में देखे हैं, बाकी के प्रश्न हैं हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों